नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। हूँ वेद प्रकाश, और आज हम चर्चा कर रहे हैं आपस में आरक्षण पर। आरक्षण की जब बात आती है तो देश का एक बड़ा तबका आरक्षण के विरोध में खड़ा हो जाता है। आरक्षण को भीख, खैरात और पता नहीं क्या क्या कहता है। तो आज हम चर्चा करेंगे कि हमारे देश भारत में आरक्षण की जरूरत क्यों है, क्यों चाहिए आरक्षण हमारे देश के दलित, पिछड़े और आदिवासी तबके के लोगों को, जो हमारे देश के मूल निवासी हैं। हमारे साथ चर्चा में आज भाग ले रहे हैं चंद्रभानु यादव, अमर आजाद और कमलेश आर्य जी हैं और अजय पासवान जी। तो सबसे पहले हम चंद्रभानु यादव जी से जानना चाहेंगे कि हमारे देश में आरक्षण की जरूरत क्यों है। हमारे देश में आरक्षण की जरूरत है, बहुत एक पहले किसान से के रूप है, में इसलिए सदियों पहले जो है आरक्षण की व्यवस्था लागू हुई थी। जरूरत इसलिए है कि सभी जाति के सभी वर्गों को समान प्रतिनिधित्व जो है शासन में प्रशासन में नहीं मिला था, और सभी वर्गों को थोड़ा बहुत करके समान प्रतिनिधित्व मिले, इसलिए आरक्षण की आवश्यकता है। हर जाति के लोग की भागीदारी उनकी जनसंख्या के बराबर हो, इसीलिए आरक्षण की व्यवस्था है। सदियों से कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर विशेष जाति का आरक्षण वंशवाद और वर्णवाद के आधार पर है। तो इसलिए जो आरक्षण का विरोध करते हैं, मैं उनसे ये जानना चाहूंगा कि जो मंदिरों में इतने वर्षों से जो एक जाति का ब्राह्मण का वहां आरक्षण मिला हुआ है, अरबों रुपया जो उनको बगैर मेहनत किए हुए वो उनके द्वारा हड़पा जाता है, तो वो उनको कौन आरक्षण दिए हैं, इस पर भी चर्चा होनी चाहिए। आरक्षण इसलिए चाहे जब तक हमें समानता नहीं आता है, जब तक हमको आरक्षण चाहिए। अगर एक ही स्कूल में सबको समान शिक्षा अगर दिया जाए तो भी आरक्षण की जरूरत पड़ेगी। क्यों? क्योंकि ऐसा नहीं है कि टैलेंट के आधार पर भेदभाव होता है। एक दलित वर्ग का लड़का 60% मार्क्स लाता है और एक जनरल कैटेगरी का लड़का 50% मार्क्स लाता है। अगर वो किसी निजी क्षेत्र में जाता है नौकरी के लिए और आरक्षण नहीं होता तो सरकारी क्षेत्र में भी जाता नौकरी के लिए, तो दलित वर्ग के लड़के को सिर्फ इसलिए नौकरी नहीं दी जाती क्योंकि वो दलित समुदाय से बिलोंग करता है। इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि आरक्षण टैलेंट को लेके है। आरक्षण इसलिए है क्योंकि समाज में जाति के नाम पर भेदभाव है। आरक्षण आरक्षण के बारे में एक बहुत मूर्खतापूर्ण बहस हमेशा चलते रहती है, बहुत ही बड़ी मूर्खतापूर्ण है, और आश्चर्य है कि ये देश में चलते रहती है कि आर्थिक आधार पर आरक्षण होना चाहिए। गरीबी जो है वो जाति देख के नहीं आती है, तो आरक्षण जाति के आधार पर क्यों हो? उन मूर्खों को और आप सभी लोगों को हम कहना चाहेंगे कि आरक्षण का आर्थिक से कोई मतलब ही नहीं है। आरक्षण जातीय संतुलन बनाने के लिए लाया गया है, सभी जातियों की कमोबेश समान भागीदारी हो, तो इसमें आर्थिक कहाँ से आ गया? जाति के आधार पर बियाह होता है, शादी होती है, पूजा पाठ वगैरह, लंद फंद बहुत सारे चीजें, ये जातीय आधार पे। तो आरक्षण जो दिया गया वो सामाजिक असमानता को दूर करने के लिए दिया गया। आरक्षण की बात आती है तो लोग विरोध करने लगते हैं, खास करके वो जो उच्च जाति से संबंध रखते हैं, और इसमें कुछ पिछड़ी जाति के लोग भी अपने आप को बुद्धिजीवी कहलाने के लिए आरक्षण का विरोध करते हैं, लेकिन जाति का विरोध वो कभी नहीं करते हैं। अगर वो उनसे कहे कि जाति खत्म करने की पहल करो तो वो कभी आगे नहीं बढ़ते हैं। जब तक समाज में जाति है, जाति के नाम पर भेदभाव रहेगा, क्योंकि जाति में ही शादी होती है, जाति में ही निमंत्रण होता है, जाति में भोज होता है, जाति के नाम पे ही हमारा समाज चल रहा है, और जाति व्यवस्था ही एक वजह ये है कि हमारे देश में आरक्षण की जरूरत पड़ी। तो जाति खत्म करने की बात पहले की जानी चाहिए, उसके बाद आरक्षण स्वतः खत्म हो जाएगा। जब जाति खत्म हो जाए तो आरक्षण अपने आप खत्म हो जाएगा। आरक्षण बेसिकली जो है वो षड्यंत्रों का एक काट है। आप देखिएगा उच्च न्यायालय में, उच्चतम न्यायालय में, वहाँ दादा जज, बेटा जज, बाप जज, पोता जज, एक षड्यंत्र है। तो अगर आरक्षण होता तो कम से कम 50% सीटें तो वंशवाद से वंचित रहती। और इस तरह के षड्यंत्र सिर्फ जुडिशियरी में भी नहीं है, बल्कि आप देखेंगे तो बहुत सारे आईएएस बाप बेटा आईएएस, बाप आईपीएस बेटा आईपीएस, ये जो है को इंसिडेंस नहीं है, ये सब षड्यंत्र करके घपले करके गुजारे गए हैं। तो आरक्षण जो है कुछ हदों में हमें वंशवाद से मुक्ति दिलाता है,
और कुछ प्रतिभाओं को निखरने का मौका देता है। आरक्षण की बात करते हैं तो देश में महज 1.5 से 2% सरकारी नौकरियां हैं, 1.5 से 2% मात्र। और अगर हम बात करते हैं मंदिर के, तो हर गली मोहल्ले में मंदिर है, तो करोड़ों लोग मंदिर से रोजगार ले रहे हैं, और एक खास जाति के लोग ले रहे हैं, वो ब्राह्मण। तो इस आरक्षण की बात हम क्यों नहीं करते हैं? आरक्षण जो है हमेशा दबे कुचले लोग को नहीं मिलता है। आरक्षण जो है भारतीय संसद में संविधान में व्यवस्था थी कि एंग्लो इंडियन लोग, यानी कि 1950 में जो है सबसे समृद्ध तबका था एंग्लो इंडियन, लेकिन उनको भी जो है 2 सांसदों का आरक्षण मिला, क्योंकि माना गया कि उनकी आबादी कम है, तो वो कभी भी जो है संख्या बल के आधार पर कभी भी एक भी उनका सांसद नहीं बनेगा। तो देश के सबसे समृद्ध वर्ग एंग्लो इंडियन को भी 2 सांसदों का आरक्षण दिया गया था। तो आरक्षण जो है बेसिकली प्रतिनिधित्व है। आरक्षण का मतलब लोग यही समझते हैं कि किसी का कम मार्क्स आता है SC ST OBC का, और उसका सिलेक्शन हो जाता है। तो मान लीजिए कि आरक्षण की व्यवस्था नहीं है, किसी 100 पद के लिए बहाली निकलती है, और 100 पदों पे आरक्षण जब नहीं है, तो 100 पदों पे सारे लोग जो है वो उच्च जाति के लोग भर्ती किए जाएंगे, क्योंकि माना जाता है कि उनका ज्यादा मार्क्स आता है, SC ST OBC का मार्क्स उतना नहीं आता है, इसलिए वो रिजर्व कैटेगरी में जाते हैं। तो मान लीजिए 100 पदों पे बहाली निकली, और 100 पदों पे उच्च जाति के लोग बहाल हो जाते हैं, सारे उसमें एक भी दलित पिछड़े आदिवासी नहीं है, तो क्या ये जो 100 लोग की बहाली हुई, तो ये किसका विकास होगा? और बाकी जो SC ST OBC के लोग उसमें नहीं आए, तो इसके जवाबदेह कौन है? क्यों उनका कम मार्क्स आ रहा है, और क्यों उच्च जाति के लोग के ज्यादा मार्क्स आते हैं? अगर सारे 100 पदों पे उच्च जाति के लोग भरे जाते हैं, तो ये किसका विकास होगा? एक खास वर्ग का विकास होगा, जिसकी आबादी देश में मात्र 10% है, और जो 90% जिसकी आबादी है वो तो वंचित रह गए, उनका तो विकास नहीं होगा। इंटरव्यू एक बहुत बड़ा षड्यंत्र होता है जातिवाद करने का, और जो जातियां प्रभुत्व में रहती हैं वो अपने भाई भतीजों रिश्तेदारों और जातवाद को भरने के लिए जो है षड्यंत्र करती हैं। इंटरव्यू में जो है अपने लोगों को मैक्सिमम मार्क्स दिया जाता है, और अपने से जो विरत लोग हैं दूसरे कास्ट के लोग हैं उनको 0 मार्क्स या बहुत कम मार्क्स करके दिया जाता है। तो और जो SC ST या OBC के लोग आरक्षण की सहायता से नौकरी लेते हैं या बड़ा पद लेते हैं, आरक्षण उनको नहीं मिला, आरक्षण उस कास्ट को मिला हुआ है, उसके वर्ग को मिला हुआ है। और जब उस उनके अपने वर्ग के मिले हुए हक यानी आरक्षण की वजह से वो उच्च पद लेते हैं, तो उनकी सामाजिक जिम्मेदारी भी होती है। और आप लोगों ने देखा होगा कि एक गांव में एक स्कूल मिलेगा और मंदिरें 5, 6 या 7 मिलेंगे, और ऐसे देश में कई बड़े बड़े मंदिर हैं जहां लाखों करोड़ों की संपत्ति का आरक्षण एक विशेष वर्गों को दिया जाता है। उस पे डिबेट क्यों नहीं होता है कि ये जन्मजात आरक्षण वो ले रहे हैं, और सभी सभी लोग वहां पे डोनेट करते हैं, और उसका पैसा सिर्फ वो निजी अपने निजी कामों में खर्च करते हैं, उससे आम जनता को, भारत देश के आम जनता को कोई भलाई नहीं है, ना ही सरकार को टैक्स दिया जाता है। हमारे समाज में 2 तरह की पूंजी होती है लोगों के पास, एक होती है आर्थिक पूंजी, एक होती है सामाजिक पूंजी। आर्थिक पूंजी का मतलब ये होता है कि आपकी जेब में कितना पैसा है, और सामाजिक पूंजी ये होता है कि आपके पास खूब पैसा है लेकिन आपके समाज में प्रतिष्ठा कितनी है। एक गरीब ब्राह्मण अगर रास्ते से गुजरता है, वो अनपढ़ है, पढ़ा लिखा भी नहीं है, लेकिन उसको लोग प्रणाम पंडित जी करते हैं। वहीं एक दलित तबके का लड़का जो खूब पढ़ा लिखा है और बहुत पैसा भी है उसके पास, वो जब कहीं गुजरता है तो गली वाले उसको कहते हैं कि हरिजन जा रहा है, देखो शूद्र जा रहा है, देखो दलित जा रहा है। तो पैसा भी खूब हमारे पास है, हमारे पास शिक्षा भी है, लेकिन हमारे पास वो सम्मान नहीं, हमारे हमें वो सम्मान नहीं मिलता। और ब्राह्मणों के पास शिक्षा नहीं, 8वीं फेल है, 5वीं फेल है, गरीब हैं, फिर भी उनको बहुत प्रतिष्ठा मिलती है। आरक्षण के विरोध आप कीजिए, मगर हमको मंदिरों में भी आरक्षण मिलना चाहिए, और उसके बाद आपको जितना भी संपत्ति है एक समान संपत्ति को बांटिए। कि एक अनपढ़ ब्राह्मण जाते हैं तो कहते हैं लोग कि गोल लगी बाबा, गोल लगी सरकार, हमारे बाप MA BA PhD भी किए हुए रहते हैं, तो उनको कोई प्रणाम नहीं करता है, लेकिन
कहाँ गया, एक कविता याद आ गया, समझ गए कि अनपढ़ वे पैर पूजय लेवा, अनपढ़ वे पैर पूजय लेवा, आ 10 बरस के लौंडा 90 के झुकवे लेवा। आरक्षण के विरोधी को मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप क्यों नहीं समान बंटवारा गरीबों में कर देते हैं, और फिर आइए एक लाइन में खड़ा होइए और फिर देखते हैं कि कौन आगे जाता है। तो बराबरी जिसको बेस आर्थिक आधार पे, सामाजिक आधार पे, राजनीतिक आधार पे और शैक्षणिक आधार पे, सभी को एक लाइन में खड़ा करिए, उसके बाद हम लोग देखते हैं कि कौन तेज है और कौन कौन कम लाता है और कौन आगे दौड़ता है। आरक्षण का विरोध करने वाले, ठीक है, इसमें एक मूर्ख जो है उसकी याद आती है, चिराग पासवान, रामविलास पासवान का बेटा। उसने बयान दिया था मोदी को खुश करने के लिए कि जो सक्षम लोग हैं उनको आरक्षण छोड़ देना चाहिए, लेकिन वो मूर्ख जो है खुद फिर 2019 में आरक्षण का सहारा लेके ही चुनाव लड़ेगा, जनरल सीट से नहीं लड़ेगा, ठीक है। तो ऐसे ऐसे द्विअर्थी दोगली बातें बोलने वाले लोग जो हैं हमारे ही समाज में हमारे नेता बने हुए हैं। दूसरी बात है आरक्षण का विरोध, आरक्षण अभी 50% है, शेड्यूल कास्ट को तो उनकी आबादी के बराबर आरक्षण है, लेकिन ओबीसी लोग को अपनी आबादी के आधा आरक्षण भी नहीं है। तो आरक्षण का विरोध तो छोड़िए, आरक्षण को 50% से बढ़ा के 100% करना चाहिए, और शासन प्रशासन की जो सारी सीटें जो हैं वो आबादी के प्रतिशत के आधार पर निर्धारित करनी चाहिए। ब्राह्मणों को भी आरक्षण मिलना चाहिए, उनको उनकी जितनी आबादी है उतना % उनको आरक्षण, सवर्णों को भी आबादी, ठाकुरों को भी आरक्षण, ठीक है, सभी वर्ग को, सभी जातियों को उनके जनसंख्या के प्रतिशत के हिसाब से आरक्षण देके देश में 100% आरक्षण करना चाहिए, और ये देश के विकास में एक सबसे बेहतरीन कदम होगा, क्योंकि आरक्षण जो है प्रतिभा का हनन नहीं करता बल्कि प्रतिभा का रक्षण करता है, और 100% आरक्षण से प्रतिभा का रक्षण होगा और देश का विकास होगा। कुछ लोग कहते हैं कि सवर्णों में भी गरीबी है इसलिए उनको आरक्षण दिया जाना चाहिए, तो हम कहते हैं कि सवर्णों में गरीबी है तो क्या आप कभी किसी सवर्ण को, उच्च जाति के लोग को पखाना साफ करते देखे हैं, कपड़ा आयरन करते देखे हैं, बतौर व्यवसायी ताड़ चढ़ के ताड़ी उतारते देखे हैं, किसी ब्राह्मण को, राजपूत को, लाला को या फिर भूमिहार को किसी भंगी की तरह किसी नाले की सफाई करते देखे हैं? नहीं, नहीं देखे होंगे। तो फिर उनकी गरीबी और हमारी गरीबी के फर्क को समझिए। अगर एक ब्राह्मण गरीब होता है तो फिर भी उसके पास ससम्मान एक रोजगार होता है कि वो घर में पूजा करा के, मंदिर में पूजा करा के इज्जत के साथ पैसा कमाता है। लेकिन अगर हमारे पास गरीबी है और हम चाहेंगे कि हम किसी के घर में पूजा पाठ करा दें और हम अपना रोजी रोटी करें, तो ये संभव नहीं है। दलितों से कोई अपने घर में पूजा पाठ नहीं करवाएगा। मजबूरी में दलितों को पखाना साफ करना पड़ता है, कपड़ा आयरन करना पड़ता है, नली नाले साफ करने पड़ते हैं, ताड़ पे चढ़कर ताड़ी उतारना पड़ता है। तो समझिए गरीबी में भी फर्क होता है, एक सवर्णों की गरीबी होती है, एक दलितों की गरीबी होती है, दोनों की गरीबी में बहुत आसमान जमीन का फर्क है। जब तक मेरा समाज का विकास, संपूर्ण विकास नहीं होता है, जब तक आरक्षण चाहिए। इस तरह की अफवाहें उड़ाई जाती है कि आरक्षण 10 साल के लिए था, लेकिन ऐसा कहीं भी संविधान में नहीं है कि दलित पिछड़े या आदिवासी का जो आरक्षण है वो सिर्फ 10 साल के लिए था। शिक्षा और नौकरी, जहां हम पढ़ते हैं किसी भी शैक्षणिक संस्थान या फिर हम किसी सरकारी संस्था में नौकरी करते हैं, इन दोनों जगहों पे आरक्षण की कोई समय सीमा नहीं है। अगर कोई ऐसा कहता है कि आरक्षण 10 साल के लिए था तो ये फ्रॉड है जो बोलता है, वो ये एकदम फर्जी बात है। संविधान में कहीं भी इस तरह की बात नहीं है कि आरक्षण 10 साल के लिए था। आरक्षण जो है मीडियाई दुष्प्रचार के आरक्षण जाते हैं, ये गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम है नहीं, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम तो मनरेगा है और तमाम सरकारी योजनाएं जो हैं गरीबी उन्मूलन के लिए चलते रहती हैं। आरक्षण जो है जातीय संतुलन का एक बहुत ही वैज्ञानिक, आधुनिक, सुंदर व्यवस्था है, और इस वैज्ञानिक व्यवस्था का विरोध करने वाले लोग जो हैं वो देशद्रोही हैं और बहुत ही बैकवर्ड लोग हैं, समझे ना। आइए प्रगति की तरफ बढ़िए, आरक्षण को बरकरार रखिए, आरक्षण का प्रति संख्या बढ़ाइए, 50 से 100% कीजिए। जब आरक्षण की बात आती है तो कुछ लोग कहते हैं कि जातिवाद फैला रहे हो, तो जो लोग ये ऐसा कहते हैं कि जातिवाद फैला रहे हो, हम उनसे पूछना चाहते हैं कि जब आप अपने घर में शादी कराते हैं, पूजा पाठ कराते हैं,
तो किस जाति के लोग को पुजारी के रूप में लाते हैं? अगर आप ब्राह्मण को लाते हैं, सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मण जाति के व्यक्ति से आप अपने घर में पूजा कराते हैं, शादी कराते हैं, तो आप जातिवाद नहीं कर रहे हैं। आप अपने घर में देखिए कि आपके घर में जब शादी होती है, अरेंज मैरिज, तो किस जाति के लड़के लड़कियों से होती है शादी? आपके अपने जाति के लड़के लड़कियों से होती है, तो आप जातिवाद नहीं फैला रहे हैं। हमारी जो सामाजिक संरचना है वही जाति के नाम पे है, वही जाति व्यवस्था के आधार पर है। तो आरक्षण की बात जब आए तब ये सिर्फ मत बोलिए कि आरक्षण की वजह से जातिवाद फैल रहा है। आप जब शादी कराते हैं घर में, अरेंज मैरिज, और पूजा पाठ कराते हैं, और किसी खास जाति के व्यक्ति से पूजा कराते हैं, तो आप ही जातिवाद फैला रहे हैं। क्यों नहीं आप किसी दलित से अपने घर में पूजा पाठ कराते हैं? क्यों नहीं ब्राह्मण कभी किसी का जूता नहीं सीता है? क्यों नहीं सीता है जूता? क्यों ब्राह्मण कभी सड़क पे जाके किसी का बूट पॉलिश नहीं करता है? एक और जो है, आप कुतर्क, अफवाह और झूठ फैलाया जाता है कि आरक्षण से जातिवाद बढ़ता है। नहीं मूर्खो, आरक्षण देखिए, जितने भी दलित आईएएस ऑफिसर होते हैं, राजनेता होते हैं, रामविलास पासवान, अजय अठावले, या आपको जो है उदित राज, और तमाम आईएएस आईपीएस क्लास वन ऑफिसर, अधिकांश की पत्नियां जो हैं आप देखेंगे वो स्वर्ण है। तो इतने अंतरजातीय विवाह कराने वाला वस्तु है आरक्षण, ठीक है? तो आरक्षण नहीं होता तो इतने बड़े स्तर के और इतने बड़े पैमाने पे अंतरजातीय विवाह नहीं होते, और एक नया पीढ़ी जो है दो जातों का वो समाज में नहीं आता। तो आरक्षण तो जाति प्रथा को खत्म करने का बहुत ही बेहतरीन कारगर तरीका है। भानु जी बहुत अच्छी बात कहे हैं कि आरक्षण हुआ तो कुछ हमारे दलित समाज के या पिछड़े समाज के लोग उच्च पदों पे गए, राजनीति में भी गए और एक मुकाम हासिल किए। उसके बाद आरक्षण से ही वो उस मुकाम पे पहुंचे, और उसके बाद वो अपनी जाति में नहीं किसी दूसरी जाति में शादी किए। तो ये आरक्षण से यहाँ पे जाति खत्म हो रही है, जातिवाद को बढ़ावा नहीं मिल रहा है। और आरक्षण का जो विरोध करते हैं, खत्म करने की बात करते हैं, तो मैं उनसे मांग करना चाहता हूँ कि मेरे देश अछूतों को अलग दे दे, हमें आरक्षण की जरूरत है, हम अपने आप डेवलप करेंगे। इनका कहना है कि अगर आरक्षण खत्म करने की बात करते हैं तो जितना देश में संसाधन है, संपदा है, जमीन है, दलितों की और पिछड़ों की आबादी के हिसाब से हमें दे दिया जाए, आदिवासियों के हिसाब से हमें दे दिया जाए, तो हमारे देश का जो 90% जो हमारी आबादी है वो हमारे दलित, पिछड़े और आदिवासियों की है। तो हमारे देश की जब 90% का हिस्सा अगर हमें दे दिया जाता है तो बच जाता है 10%। तो 10% लेके कौन सा भारत का निर्माण करेंगे जो आरक्षण का विरोध करते हैं वे? तो इसलिए सोच लीजिए, ये देश सिर्फ आपका नहीं है, ये देश हमारा है। आरक्षण का विरोध करने से पहले इन सब बातों पे गहन अध्ययन करें कि आरक्षण देने की जरूरत क्यों पड़ी, उसके बाद आरक्षण पे मुंह खोलें।